करा आपने? अरुण कुमार किस पोस्ट पे तैनात है आपने फार्मासिस्ट है। सर? क्या मामला है यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह की पोस्टिंग को लेकर? अब इसमें तो सर हम कुछ बता नहीं सकते। नहीं, कब से डॉक्टर यहाँ पे पोस्ट नहीं है? डॉक्टर के गुप्ता के जाने के बाद से कितने वर्ष हो गए होंगे? लगभग 3 2.5 3 वर्ष। हेलो, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद बिल्डिंग बनी, अस्पताल भी चलना शुरू हुआ, लेकिन न पूरा अस्पताल चल पाया न बिल्डिंग का काम पूरा हुआ। बताते हैं लोग कि हैंडओवर नहीं हुई। क्यों नहीं हैंडओवर? अब हम लोग को जो पता लगा यही कि पीडब्ल्यूडी ने फाइनल नहीं किया, स्वास्थ्य विभाग फाइनल उसको माना नहीं। कितने गांव प्रभावित हैं इसके हैंडओवर न होने से? इसको हैंडओवर न होने से कम 40 गांव तो प्रभावित ही है भाई साहब। सब यहाँ पे सुविधा पाते हैं। कृष्ण कुमार पांडे, कहाँ के निवासी हैं पांडे जी आप? मैं बजना का स्थायी निवासी हूँ। ये आपके बजना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, ये बड़ा बदहाल लग रहा है, क्या है मामला? मामला इसका यही है कि जब से बिल्डिंग बनी तब से जर्जर चल रही है, जबकि समस्त क्षेत्रवासी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये बिल्डिंग की व्यवस्था हुई होती सुचारू रूप से, डॉक्टर यहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से आते तो हम सबके लिए बड़ा ही अच्छा सौभाग्य था। यहाँ से सुल्तानपुर जाने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। मौके पर ना तो साधन मिल पाता है और ना ही इमरजेंसी में ऐसी कोई व्यवस्था हो पाती है जहाँ हम लोग अपना उपचार करा सकते हैं। अगर अस्थायी रूप से ये अस्पताल चलता होता तो समस्त क्षेत्रवासी यहाँ आकर अपने रोग का निदान करने के लिए पहुँच जाते। लगभग 3 दशक हो गया है लेकिन यहाँ कोई लाभार्थी लाभ नहीं पाया। कितने गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था? इस स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इससे क्षेत्रवासी लगभग ही मान लीजिए कि और नहीं तो 50 पूर्वज जो इर्द गिर्द हैं ये, बाकी कूड़े भर के पहले यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इधर जयसिंहपुर के पहले नहीं है, तो हम लोग मजबूरी बस यहाँ से सुल्तानपुर जाते हैं, जबकि जाने की इच्छा नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुल्तानपुर जब हम इमरजेंसी में पहुँचते हैं या यहाँ से जाने के बाद इमरजेंसी हालत में हो जाते हैं तो हमें मृत्यु का भी सामना देखना पड़ता है। नाम क्या बाबू? श्री सुनारायण पांडे। कहाँ के रहने वाले? बजना सुपारी का पुरवा। ये बजना में आपके एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये खंडहर में तब्दील हो गया, क्या है? ये पंडित श्रीपत मिश्रा मुख्यमंत्री थे तो उनसे यहाँ के लोगों के साथ हमने मांग रखा था 25-30 गांव के लोगों को यहाँ से लाभ मिलेगा, एक अस्पताल यहाँ जरूरी है, तो पंडित श्रीपत मिश्रा ने इसको स्वीकृत किया था।